अरे वो मंकी नहीं है लिटिल किटी, वो है एक होमो इरेक्टस, जो होते हैं आज के ह्यूमंस के एक पूर्वज। गलती हो गई। कोई बात नहीं प्यारी लिटिल किटी, पर एक मिनट रुको, तुमने मुझे आज के टॉपिक का आइडिया दे दिया। हे दोस्तों, तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी, वो भी आप ही की। हाँ, आप यानी ह्यूमंस, और साथ ही इस बात का भी पता लगाते हैं कि ह्यूमंस आखिर आए कहां से। ज़ूम इन। ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ था आज से करीब 70 लाख साल पहले, दोस्तों, जब ह्यूमन जीनियोलॉजी बंदरों से अलग हुई थी। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, 20 ह्यूमन स्पीशीज आई, जो कि इंसानों के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ती चली गईं, पर उनमें से ज्यादातर विलुप्त हो गए, और जो बचे वही मॉडर्न ह्यूमंस के पूर्वज रहे होंगे। जो लोग बच गए थे उनमें इंसानों की ही तरह साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जैसे कि एक बड़ा दिमाग, दो पैरों पर चलने की क्षमता, छोटे दांत और हथियार बनाने साथ ही इस्तेमाल करने की क्षमता। ये स्मार्ट लोग 3 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं, जैसे अर्ली होमिनिन्स, ऑस्ट्रोलोपीथेसिन्स और होमो जीनस। माना जाता है कि अर्ली होमिनिन्स आज से 44 लाख साल पहले तक ही मौजूद हुआ करते थे इस दुनिया में, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। और इस स्पीशीज में बंदरों और इंसानों दोनों जैसी आदतें थीं, जैसे छोटे दांत जो खाने के काम आते थे बजाय लड़ने और शिकार करने के। दोस्तों, ह्यूमन एवोल्यूशन की जो अगली स्पीशीज थी वो थी प्राइमेट्स या ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स। ये आज से तकरीबन 14 लाख साल पहले ही हुआ करते थे, और वो भी पूरे अफ्रीका में। इस स्पीशीज में भी बंदरों वाली काफी आदतें थीं, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, इनका स्कल, रीढ़ और पैर आज के इंसानों की तरह होते चले गए, जिसकी वजह से वो अपने दो पांवों पर आसानी से चल पाते थे। और ह्यूमन एवोल्यूशन में आखिरी स्पीशीज आई होमो जीनस फैमिली से, जो कि एग्जिस्टेंस में आ गए थे आज से काफी वक्त पहले, यानी के 14 लाख साल पहले। माना जाता है कि ये स्पीशीज ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स से ही आए थे, लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स जो कि बंदरों और इंसानों का कॉम्बिनेशन था, और ये होमो स्पीशीज बनते जा रहे थे आज के इंसानों की तरह, क्योंकि इनका स्कल साइज और स्पीशीज से बढ़ता जा रहा था, और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे कि हथियार बनाकर शिकार कैसे करना है। और दोस्तों, यही वो पहली स्पीशीज थे जिन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा था। लेकिन वो बस यही नहीं रुके, इनके बेहतर फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ये अफ्रीका से बाहर आए, और उसके बाद बाकी की दुनिया में फैलते चले गए। तो मेरे दोस्तों, हालांकि 20 स्पीशीज ने अपना सफर इस धरती पर शुरू किया, आखिर में सिर्फ होमो सेपियंस ही चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते चले गए, और इन्होंने दुनिया को आगे बढ़ाया और ऐसे काम किए जो कोई और जीव सोच भी नहीं सकता था। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इंसान और बंदरों ने इवॉल्व करना बंद कर दिया? वेल, तो जवाब है नहीं। ह्यूमंस अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि आज का एवोल्यूशन हमारी बायोलॉजी के बजाय हमारे कल्चर और साथ ही हमारी बनाई टेक्नोलॉजी से हो रहा है। और हाँ दोस्तों, बाकी जानवर और बंदर भी लगातार इवॉल्व करते जा रहे हैं, क्योंकि इंसानों की वजह से इनके एनवायरनमेंट में बदलाव आता जा रहा है।
तो कह नहीं सकते, पर शायद आज से लाखों सालों के बाद जैसे हम आज दिखते हैं उससे बहुत ही अलग दिखाई दे रहे होंगे। हम तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि हम अच्छे दिखाई दें। ट्रिविया टाइम। क्या आपको पता है कि आप नियनडेफल स्पीशीज का भी हिस्सा हो सकते हैं? हाँ, नियनडेफल बोन्स के कुछ जेनेटिक्स बताते हैं कि कुछ नियनडेफल जीन्स अफ्रीका देश के बाहर के लोगों में मौजूद हैं। साथ ही माना जाता है कि ह्यूमंस ने इंडियन ओशन को पार करने का रास्ता ढूंढा, शायद कुछ लकड़ों को साथ जोड़कर, वो भी आज से 50,000 साल पहले। वाओ, अब इस काम के लिए तो काफी हिम्मत की जरूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपने आज के एपिसोड में कुछ नया सीखा। मिलते हैं अगली बार। मैं हूं डॉक्टर बायनॉक्स, ज़ूमिंग आउट। आह, इसे भी इवॉल्व होना है।